हेलो गाइज, वेलकम टू एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और आप लोगों को ये ट्रिक जो है वो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, बाइक तो हम सब चलाते ही है, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, ये बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट भी होती है और किक स्टार्ट भी होती है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम जाते हैं और जो बाइक की बैटरी होती है वो डेड हो जाती है, तो हमारी बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। हमारा जो बाइक स्टार्ट करने का वो मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता है, तभी हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों किक की। अगर आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा यह सिखाने वाला है कि अगर बाइक में किक भी ना हो और सेल्फ स्टार्ट भी ना हो, बैटरी डेड हो गई हो और ढालन भी कहीं पे आसपास ना हो, और आप अकेले हो और आपको बाइक स्टार्ट करनी है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, वो आज इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर है बाइक, और मान लो कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले में बाइक स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर यह जो मैकेनिज्म है किक वाला, सेल्फ स्टार्ट वाला, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें बाइक को कुछ इस तरीके से लगा देना है डबल स्टैंड के ऊपर, और पीछे का जो टायर है ये इस तरीके से उठा हुआ रहना चाहिए, और फिर हमें बाइक की जो की है उसको ऑन कर देना है। और सिंपल इस तरीके की जो बाइक आती है उनमें 4 या फिर 5 गियर आते हैं, और यह जो जुगाड़ है वो इस तरीके की नॉर्मल बाइक होती है उसके ऊपर काम करता है। सुपर बाइक और स्पोर्ट बाइक होती है जिसके इंजन बड़े बड़े आते हैं, उसके ऊपर यह जो जुगाड़ है वो काम नहीं करता है, लेकिन यह जो हमारी नॉर्मल बाइक होती है उसके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली यह काम करता है। तो यहाँ पर हमें गाड़ी को तीसरे या फिर चौथे गियर के अंदर डाल देना है और किक को ऑन कर देना है, और फिर टायर इस तरीके से उठा हुआ रहना चाहिए, और फिर आपको क्या करना है, टायर को मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से पकड़ कर टायर को घुमा देना है, तो आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ, टायर को इस तरीके से पकड़ कर जोर से घुमा देना है। दोस्तों, देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाती है। बाइक बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वाले जुगाड़ की मदद से आप अकेले में अपनी बाइक को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है यह जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, यह सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है और सभी लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तो अब तो इस वीडियो को आपको लाइक करना बनता है, और इस तरीके से बिल्कुल आसानी से अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपके पास भी बाइक है तो आप भी इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आप लोगों को इस तरीके से इसको बाइक को जो है स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर एक बार और आप लोगों को करके दिखाते हैं। यहाँ पर पहले देख लो कि बाइक में कोई भी इग्निशन यहाँ पर नहीं है, बाइक बिल्कुल भी ऑफ है, यहाँ पर बाइक की जो है ऑन है, और फिर एक बार और मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बाइक में कोई भी इग्निशन नहीं है, और आपको सिंपल इस तरीके से पकड़ कर जोर से इसे घुमा देना है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये सभी से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर 2-3 लोग हैं तो सभी बारी बारी से ट्राई करके देखते हैं कि क्या सबसे हो जाती है या फिर नहीं। अभी तुम स्टार्ट करो। दोस्तों, अभी कोई भी बाइक में इग्निशन नहीं है, और यह जो है वो ट्राई कर रहे हैं। देखा दोस्तों, बहुत ही छोटे झटके लगाकर भी आप इसको बिल्कुल आसानी से ट्राई कर सकते हैं, और ये आइडिया आप सभी लोगों को काम में बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। इसमें हमें बाइक को स्टार्ट करने के लिए कोई भी ढलान, किक, सेल्फ स्टार्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हम खुद की मदद से टायर को इस तरीके से घुमाकर बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को यह जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है। इसी तरीके के मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाजू में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है, ताकि हम जब नया वीडियो डालें तो आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले, और हमारा जो वीडियो है वो आप लोग देख पाए सबसे पहले। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।